द पुलिस सेड द थीफ डोंट मूव. डोंट बोला इंपरेटिव है कि नहीं, पहले दिमाग क्या करा, इंपरेटिव. इंपरेटिव है, डोंट है, नेगेटिव है. इसको तीन तरह दा था. पहला चीज नॉट टू लगाओ, फॉरवर्ड लगाओ, प्रोबिटिव लगाओ, ठीक है ना. अब दिमाग में सेट करो कि अब नॉट टू तो आ गया है, दूसरे कहीं भी ऑर्डर दिया है इसमें नहीं लगा, काट दो. यहाँ पे देखो गड़बड़ किया, काट दो. यहाँ पे ठीक टू लगा दिया, काट दो. आंसर कौन सा हो गया, कितना सेकंड लगा बोलो. अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, बोलना कोई नहीं, बस मैं करूंगा आप देखना. बस पहला क्वेश्चन है व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर शी रिमार्क्ड. व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सबसे पहले सेंटेंस के नेचर को पहचानना है. जब नेचर की तरफ चले जाते हैं तो पता किया कि व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, और लास्ट में क्या दिया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो बोलो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है, है ना जी. सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है. तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है. तो एक्सक्लेमेटरी हमने तीन तरह का पढ़ा था, याद आ रहा है. एक सामान्य रूल, दूसरा कहा था व्हाट वेयर व्हेन शुरू हो. देखो व्हाट से शुरू है कि नहीं है, व्हाट था, सच था, हाउ था, तीन वर्ड था ना, सच अ गर्ल, व्हाट अ बॉय, है ना, व्हाट एन आइडिया, याद आ रहा है ना. तो शुरू किससे है, व्हाट से. समझिए खाली पहचानना सीख रहा हूं, अभी आंसर बता रहा हूं. व्हाट अ स्टूपिड फेलो, अब स्टूपिड क्या है, एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव रहे तो बोलो क्या ढूंढने कहा था, वेरी कहा था ना. दो चीज अगर एडजेक्टिव नहीं है तो ढूंढिए एडजेक्टिव, क्योंकि जैसे मैंने बोला व्हाट अ प्लेस, तो इट वाज अ नाइस प्लेस, इट वाज अ वंडरफुल प्लेस, इट वाज अमेजिंग प्लेस, ये कहा था. और इट वाज अमेजिंग प्लेस, तो ढूंढो वेरी, इट इज अ वेरी अमेजिंग प्लेस, ये था ना जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमको स्टूपिड फेलो यू आर दे दिया है, साइन दे ही दिया है, तो हमको ढूंढना है कि वेरी कौन कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है. अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपसे कोई आंसर सही बन के नहीं निकलेगा, इसलिए आपको बनाना नहीं है, आंसर निकालना है, बेस्ट आंसर निकालना है. चारों में से बेस्ट कौन सा है, चारों में से राइट नहीं निकला, चारों में से बेस्ट कौन सा है, वो बेस्ट आंसर को आपको निकालना है और वही आपका आंसर होगा. क्लियर हो गया. तो अब इसको पकड़ते हैं और देखते हैं बेस्ट. ऑनलाइन सुन रहा है, तुम लोग ध्यान नहीं देता है. व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर. अब देखना है इसमें कि सी यहाँ पे कहीं भी इसमें वेरी नहीं है, काट दिया. सी एक्सलेंट वेरी यहाँ दिया हुआ, और चेक करते हैं. एक्सलेंट डिस्गस्ट कुड बी नहीं दिया. आंसर कौन सा हो गया, कितना सेकंड लगा बोलो. एक सेकंड, 10 सेकंड लगेगा. हम देखो हमने पढ़ा, अब लेक्चर उधर तो काउंट करेगा. हमने कहा व्हाट द साइन देखा, एक्सक्लेमेटरी, और ढूंढना क्या है, वेरी. दिमाग गया सीधा, देखिए वेरी कहाँ है. ये तो हम ऐसे जान बूझ के अंडरलाइन किए, यहाँ पे वेरी लगाया, स्टूपिड खत्म कहानी. अब क्या किया नहीं किया उस टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. अब देखिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं. देखो कोर्स से बस देखते जाओ फटाफट कैसे कितना फास्ट होता है. अब उसको आंसर बनाना है. द पुलिस सेड द थीफ डोंट मूव. डोंट बोला इंपरेटिव है कि नहीं, पहले दिमाग क्या करा, इंपरेटिव. इंपरेटिव है, डोंट है, नेगेटिव है. इसको तीन तरह दा था. पहला चीज नॉट टू लगाओ, फॉरवर्ड लगाओ, प्रोबिटिव लगाओ, ठीक है ना. अब दिमाग में सेट करो कि अब नॉट टू तो आ गया है, दूसरे कहीं भी ऑर्डर दिया है इसमें नहीं लगा, काट दो. यहाँ पे देखो गड़बड़ किया, काट दो. यहाँ पे ठीक टू लगा दिया, काट दो. आंसर कौन सा हो गया, कितना सेकंड लगा बोलो. आप कहोगे सर कैसे हो गया मामला, तो हमने कहा था डोंट मूव, एक आर एस हो गया, आर एस. अब आर एस है तो इसका इन्वर्ट को हटाओगे, क्या लगाओगे, नॉट टू आएगा. अब चेक करो नॉट टू कहाँ कहाँ है, और कहीं है, नॉट टू नहीं है, तो क्या फॉरवर्ड कहीं है, नहीं है. यहाँ पे ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, टोल्ड दिया, ऑर्डर दिया, होना क्या चाहिए था, फॉरवर्ड, प्रोहिबिटेड या नॉट टू, इतना चाहिए था ना. और पढ़ाता हूं तो कहता हूं क्या ढूंढना तुमको है, बाकी से उतर जाएगा. कितना सेकंड लग रहा है बोलो, 3 सेकंड, 2 सेकंड बहुत है. तो ये आपको टाइम को सेव करेगा. तो पकड़ना कैसे है, पकड़ना है सेंटेंस के नेचर से. तो सेंटेंस पहचान अगर आ जाएगा तो आंसर निकालना आ जाएगा. तो सर जो सेंटेंस क्या, द पुलिस सेड टू थीफ डोंट मूव, तो डोंट मूव इंपरेटिव है. अब तुम यही नहीं पहचान रहे हो कि इंपरेटिव है कि असर्टिव है, तो दिक्कत होगा ही होगा. तो पहचान में आया. और देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम कल आया था, पूरा क्लास किया है. तो एक्सक्लेमेटरी वाला क्या बताया था मैंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तीन स्टाइल था. एक क्यों, एक था नॉर्मल रूल वाला, एक था व्हाट सच हाउ,
व्हाट सच हाउ स्टार्ट सेंटेंस हो. तो हम लोग क्या करते हैं कि जब एडजेक्टिव दिया रहता है तो हम वेरी लगाते हैं, एडजेक्टिव नहीं दिया रहता है तो एडजेक्टिव लगाते हैं. जैसे मैं बोला व्हाट अ प्लेस, तो जोड़ना पड़ेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वॉज अ नाइस प्लेस. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. समझ पा रहे हो ना, तो वेरी जोड़ना ही पड़ता है. पीछे क्लास रिवीजन करके आने को कहा था. तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो फटाफट क्या लिखा हुआ जी. आई ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ. देखो गौर से क्या क्या चीज देखना है, फटाफट से करो क्या क्या चीज चेक. नाउ जस्ट नाउ, ठीक है. अब ध्यान करना है कि नाउ का देन होगा, नाउ का देन होगा. तो यहाँ भी जस्ट नाउ, यहाँ भी जस्ट नाउ, यहाँ भी कहा गया जी. अच्छा ये हो गया ऊपर वाला, तो दो ऑप्शन कट गया, बच गया दो. अब देखो जस्ट देन, जस्ट देन, क्लियर हो गया. अब देखो जहां भी आई एम होगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो. अच्छा सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है नहीं, असर्टिव है, तो आज कट गया. आंसर कौन हो गया थी? निकला कि नहीं निकला बोलो, कट दियो पर. हाँ तो आंसर क्या हुआ, सिर कट गया ना. हाँ सही हुआ ना, मतलब ठीक है क्या, टफ लग रहा है बाबू बालक छोटू, टफ लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा. तो देख लो मैं क्या देख, बस देखो मेरे को पकड़ो तुम. हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि ही सेड है. अब पहले हमने चेक, अगर फर्स्ट चेक करते तो आपके दिमाग में क्या आ जाए वही चेक करो. तो आपके दिमाग में नाउ आया तो देन आ जाएगा, एम है तो वाज आ जाएगा, ही सेड है तो सेड ही रहेगा. आगे देखो, बस देखने का तरीका चेंज करो. ये हो गया क्या. अच्छा क्वेश्चन ये है, अब देखिए निकल रहा है तुम लोग आंसर. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस. अब क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या ढूंढना है, दिमाग लगाओ. सबसे पहला काम एक ढूंढना है ये, दूसरा ढूंढना है कैन का कोड, दूसरा ढूंढना ई फॉर वेदर. अब इकट्ठे सर देख लो, तो पहला चेक कर लो कि सर ने कहा था कि ई फॉर वेदर. देखो देख रहे हो सर वेदर है, तो आपको ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि ई फॉर, ई होता ई फंसर होता करे नहीं भी. अब देखते हैं ये कैन का कैन छोड़ दिया, कैन का कैन छोड़ दिया, अब कूड कहां कहां है. तो जो जो कमजोर मिले उस दबा दो टोटी, दब गया. कूड यहां पे है, दिस का दैट, यहां दिस का दिस छोड़ दिया है. देखो कट गया ना आंसर, क्या निकल गया. अब एक लड़का तुम्हारे बगल में बैठा है, वो पूरा पढ़ रहा है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा तो पागल नहीं हो जाएगा. एक बात देखो कि ना तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पूरा, ना ऑप्शन पूरा पढ़ रहा हूं. हम पढ़ क्या रहे हैं, वह पार्ट जो हमको चाहिए ही चाहिए. बाकी हम इतना ध्यान क्यों दें कि टीचर कहां भाग गया, स्टूडेंट कहां गया. उतना दिमाग हमको दिस का दैट किसी भी कीमत पे चाहिए ही चाहिए, कैन का कूड किसी कीमत पे, बस क्योंकि ग्रामर है, हमको ढूंढना ग्रामर ही है. ढूंढना क्या है, इसी मेथड पे डर तो लगेगा कि आंसर कैसे निकल गया, मतलब इतना जल्दी क्वेश्चन हो गया तो डर लगेगा, लेकिन उसी को रिस्क लो और 25 क्वेश्चन बिना डरे बनाओ और 25 में तुम्हारा 20 सही हो जाए तो उछल जाओ कि प्रोसेस सही है. समझ पा रहे हो ना. अब जो बच्चा नरेशन से डर रहा था आसान लगा जी, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया. बस खाली याद होना चाहिए फैक्ट, जो पढ़ाया उससे बाहर एक भी नहीं रहेगा. बाकी साहब और देखते, और देखो देखते जाओ फटाफट. अरे बाबले भोला, हमने कहा था कि ई फॉर वेदर रहे तो किसको चुनना, कहां ई है बता. नहीं सारे देखो, हमने क्या कहा था, अगर ई फॉर वेदर रहे तो किस चुनना है, तो कहां ई बताओ, आंसर लगाता हूं उसी को. तो जब है ही नहीं है तो ई पैदा करोगे,
काट के इफ लिखेगा। एग्जामिनर के टोन को पकड़ो, सर ने जो कहा वो लागू होगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, राम सेड, अब बस देखो क्या पकड़ना है, वो देखो क्या पकड़ना है। पांच देखो, राम सेड माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, सेंटेंस असर्टिव है, अच्छी बात। अब इसमें पकड़ने वाला बहुत कम चीज मिल रहा है, तो सबसे पहला चीज क्या पकड़ में हम लोग, इस यानी इसको क्या देखना है, वाज। अब चेक करो कहां कहां इसका वाज है, यहां नहीं है, यहां पे सेम दे दिया, मास्टर्स प्लान दे दिया, वाज यहां पे दिया। एग्जामिनर तुमको हेल्प करेगा, और ये मत सोचना कि सर ने बनाया क्वेश्चन, सर ने बनाया ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेन पकड़ना है, मेन पार्ट पकड़ लो, गुलाम हो जाएगा। पकड़ पा रहे हो कि नहीं, तो वहां ध्यान देना था।